मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता ना, थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे वीडियो छोड़ता, तो आज को मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह से अच्छा लाइफ में स्टेबल रहता और लाइफ में अच्छा इनकम कर पाता। अब क्या बोलो यार, छोड़ो, बहुत ख़राब लगता है कि आज को मैं यार, सॉरी गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरबी डीजीपी एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। सो आज का जो थंबनेल और टाइटल देखे आपको वीडियो का पता लग ही गया होगा कि आज को मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा कि पहले मैं सोचा था कि ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ और आप लोग मेरे फैमिली मेंबर की तरह ही हो, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आज का वीडियो जो होगा, बोल सकते हो टाइप ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज़ है, आप लोग को भी लाइफ में मैं इंस्पायर कर पाऊँगा हो सकता है। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग का लिए ये मोटिवेशनल वीडियो बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि भाई ये वीडियो सुनो आपको पता लग जाएगा कि लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो मैंने लाइफ में माय बिगेस्ट मिस्टेक मैंने क्या किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो का टाइटल और थम वीडियो जो होगा वो है दैट व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इन माय लाइफ। तो मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, तो उसी का रिलेटेड आज का वीडियो होगा। तो चलो, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आपको पता है ना क्या करना है, नहीं पता तो मेरा एक दोस्त बोला पहले वो सुनो, तो उसका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। यह बहुत अच्छा अच्छा वीडियो छोड़ता है, ब्लॉग छोड़ता है, तो आई थिंक आपने सुन ही लिया होगा। तो वही करना है भाई लोग, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। एंड चलो मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग स्टाइल पे, और थोड़ा सा वीडियो मोटर ब्लॉगिंग स्टाइल में भी बनाऊंगा मोटिवेशनल वीडियो, थोड़ा खड़े होकर फेस टू फेस भी बात करेंगे। सो गाइज, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज को मतलब वीडियो किस टॉपिक पे है। तो पहले ही बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है, मैं पहले सोचा था कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग का फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ, तो ये वीडियो बनाना जरूरी था और आप लोग के साथ शेयर करना भी जरूरी था। तो आज का जो वीडियो होगा ना गाइज, वो होगा दैट व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इन माय लाइफ, या मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी बोलूँगा, आप लोग सुन लो। तो मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट स्टोरी है गाइज कि मैं आज से 5 से 6 साल पहले, जब यूट्यूब पे उतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, यूट्यूब क्या था बहुत जन लोग को पता भी नहीं था, तो मुझे पता था क्योंकि मेरा घर में इंटरनेट कनेक्शन था, तो मुझे पता था कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हो, लाइफ को स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सोचा था कि करूँगा। तो आप मेरा ये जो वीडियो मेरा जो चैनल पर है, आप मेरा चैनल का एकदम लास्ट एंड में वीडियोज़ पर जाके देखोगे तो बहुत सारा वीडियो है जो 4 साल 5 साल पहले अपलोड किया गया है, तो उस टाइम पर मुझे अच्छा खासा व्यूज़ मिला था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब उतना क्राइटेरिया भी नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर करना है, 4000 वॉच आवर्स करना है, वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा गलती क्या किया कि मैं लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रहा। यही बोलते हैं ना कि लाइफ में गलती करना जरूरी है, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो आप लाइफ में सीखोगे भी नहीं। तो यार अभी इतना पछतावा होता है ना, मैं क्या बोलूँ। उस टाइम पे मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, मतलब बोल सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि उस टाइम पे लाइफ में कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन यूट्यूब अदर स्केटर का नहीं था, बहुत कम चैनल थे, ठीक है। उस टाइम पे उतना क्राइटेरिया नहीं था, मैं चाहता तो मैं अच्छा से कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, ये मेरा लापरवाही के लिए हुआ है। तो यही बोलूँगा कि लाइफ में कभी भी मतलब उतना मतलब लाइफ को उतना ईजी मतलब लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे तभी आप अपना ड्रीम और पैशन को फॉलो कर पाओगे। तो यही बोलना था, और कुछ कुछ पार्ट ऑफ ये वीडियो मैं मोटर ब्लॉगिंग के स्टाइल में भी बनाऊंगा। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग लाइफ में कभी गलती मत करो, यही मैं बोलूँगा। और लाइफ में अगर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी में मिलता है ना, तो उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि वंस द अपॉर्चुनिटी गॉन इट नेवर कैन बी ब्रिंग बैक अगेन। तो यही बोलना था। तो लाइफ में जो भी होता है ना यार, आप लोग करो। और एक चीज़ बोलूँगा, मेरा जो ये मिस्टेक मैंने जो किया है ना, इसका इतना मुझे पछतावा होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर से मैंने अपने आप को अंदर में मोटिवेट किया कि नहीं भाई, मिस्टेक एक बार हुआ है, पूरा लाइफ बाकी है। और एक चीज़ याद रखना कि नया शुरुआत का कोई दिन, कोई डेट, कुछ भी साल या कुछ भी एज किसी का मैटर नहीं करता। देयर इज़ नेवर एन एज, टाइम और मंथ फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। तो मैं अपना चैनल पे न्यू बिगिनिंग शुरू किया, अपने आप को बहुत मोटिवेट किया, अपने आप का अंदर में मैंने वो मोटिवेशन को डाला इधर उधर से सुन के। ऑफकोर्स मोटिवेशन मेरे को भी जरूरी होता है, जो जिस तरह से मैं आप लोगों को मोटिवेशन या मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, इन्फ्लुएंस करता हूँ, वैसे मुझे भी तो किसी का वीडियो सुन के इन्फ्लुएंस होना होगा ना। तो यही बोलूँगा, ये मतलब क्या बोलो यार, बहुत पछतावा होता है, सच बोलो यार, मतलब दिल से इतना ख़राब लगता है कि ना, उस टाइम पर अगर मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता ना, थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे वीडियो छोड़ता, तो आज को मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह से अच्छा लाइफ में स्टेबल रहता और लाइफ में अच्छा इनकम कर पाता। अब क्या बोलो यार, छोड़ो, बहुत ख़राब लगता है कि आज को मैं यार, सॉरी गाइस। तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था गाइस, क्या बोलो यार, बहुत ख़राब लगता है कि उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा अटेंटिव या थोड़ा सा फोकस रहता ना, तो लाइफ में आज को मैं बहुत अच्छा जगह पे, स्टेबल जगह पे होता। लेकिन फिर भी मुझे रुकना नहीं है, और कभी नया शुरुआत का लेट नहीं होता है। तो अब मैं आ गया हूँ यूट्यूब चैनल पे, और मैं अब रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो में देख सकते हो, या वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि रेगुलर बेसिस पे ही वीडियो आ रहा है, और बहुत सारा व्लॉग चैलेंज भी मैंने कंप्लीट किया। तो यही बोलते हैं ना कि लाइफ में अगर आप पैशनेट हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा भाई,
कि लाइफ में देखो बोला जाए तो मिस्टेक होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होगा तो हम लाइफ में कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो मेरा लाइफ में मैंने एक मिस्टेक किया तो उसका जो परिणाम आया, उसका जो रिजल्ट आया, मैं सीख गया कि नहीं मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। एक बार जो मैंने गलती कर दिया मुझे बार बार नहीं करना है, समझे? तो चलो अब आई थिंक फेस टू फेस भी बातचीत ज़्यादा हो गया, मोटर व्लॉगिंग स्टाइल में मिलते हैं। बैक टू माई मोटर व्लॉगिंग सेटअप, और थोड़ा मोटर व्लॉगिंग स्टाइल में भी आपको मोटिवेशन वीडियो बना लेंगे, मतलब वाला वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, लाइफ में ना कभी गलती मत करो यार। लेकिन आप लोग भी बोलोगे यार लाइफ है एक फंडा भी, एक रूल भी है जो मैं भी मानता हूँ कि लाइफ में अगर हम गलती करेंगे ही नहीं ना तो हम लाइफ में कुछ सीखेंगे ही नहीं। हमें लाइफ में उस चीज़ का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगा अगर हम लाइफ में कभी कमिट मिस्टेक नहीं करते, या हम कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं करते, समझ रहे हो? इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ में मिस्टेक करना भी जरूरी है। लेकिन मुझे वो मिस्टेक का इतना ज़्यादा पछतावा होता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं टोटल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। आज से 5 से 6 साल पहले जब यूट्यूब पे कुछ ऐसा क्रिएटर नहीं था तो मुझे मुंबईकर निखिल का मतलब वीडियोस देख के, मतलब मुंबईकर निखिल इज़ एन मतलब माइंड ब्लोइंग पर्सन मैन, तो मुंबईकर निखिल का वीडियो देख के मुझे इतना मतलब मोटिवेशन फील हुआ कि नहीं भाई मुझे भी वीडियोस बनाना है, मुझे भी कुछ करना है। तो मैंने कुछ 3-4-5 वीडियो बनाया था, और आप मेरा चैनल को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखोगे कि मेरा 35,000, 28,000, 22,000 ऐसे करके बहुत सारे मतलब वीडियोज़ में व्यूज़ है। मतलब मैं कुछ दिन अपलोड करके ही मुझे व्यूज़ मिल गया था, मैक्सिमम 6 to 7 days में मुझे 23,000 व्यूज़। अभी तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि मतलब इतना कॉम्पिटिशन यूट्यूब में कि अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है वैसा। अभी लाइफ बहुत हार्ड है यार, लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में कभी भी नया शुरुआत करने का कभी देर नहीं होता है। आप कभी भी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, नया शुरुआत कर सकते हो। जस्ट आप लोग को फोकस रहना है, ठीक है, तब आप लाइफ में कुछ भी कर सकोगे। मैं भी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो गया हूँ अभी, पहले नहीं था, सच बोलूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मैं सिंसियर ही नहीं था। अगर उस टाइम मैं लाइफ में वैसा गलती नहीं करता ना तो आज को मैं बहुत अच्छा जगह पे होता लाइफ में। लेकिन क्या करूँ गाइस, बहुत पछतावा होता है। आपने वीडियो में स्टार्टिंग वाला वीडियो में आपने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा ही पछतावा होता है, बहुत गिल्टी फील होता है यार। मन में कभी कभी मैं अपने आप को कोसता हूँ कि यार तूने क्यों ये गलती किया यार। लेकिन क्या बोलूँ यार, आज को अगर मैं वो गलती नहीं करता ना, उस टाइम पर अगर रेगुलर होता तो आज को मैं लाइफ में अपना बहुत एक स्टेबल जगह पर होता यार। लेकिन कुछ भी करना है, अब मुझे पीछे नहीं हटना है, और अब मुझे दोबारा वो गलती नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए मुझे भाई 100% अपना देना है, ठीक है। मेरा आप आवाज़ से भी सुन पाओगे, मेरा वॉइस टोन से भी आप फील कर पाओगे कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर गिव अप, वट एवर मे बी द सिचुएशन, आई विल चेज माई ड्रीम एंड आई विल नेवर गिव अप। एक गलती जो मैंने लाइफ में किया ना वो मुझे भारी पड़ गया, लेकिन कोई नहीं, इट्स नेवर बीन टू लेट फॉर अ न्यू स्टार्ट। मैं यही हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कभी देर नहीं हुआ है नया शुरुआत के लिए। बस लाइफ में फोकस रहना है, सब कुछ करना है। और मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि लाइफ में अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, आप देखते हो कि उधर हाँ भाई अच्छा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ो मत, एटलीस्ट उसको थोड़ा देर कंटिन्यू करो। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, ठीक है। फ्यूचर कोई देखा नहीं है, फ्यूचर इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल गेम, वेदर इट विल बी इन योर फेवर और इट विल बी अगेंस्ट फॉर यू, समझ गए ना। फ्यूचर कभी किसी का साथ में होता है, कभी किसी के साथ में नहीं होता, तो आपको डिपेंड करता है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। यही बोलूँगा, कुछ भी हो जाए भाई लोग, अब तो ड्रीम मुझे करना ही है, अब मुझे कभी हार नहीं मानना है। वट एवर मे बी द सिचुएशन, आई विल चेज माई ड्रीम। और एक जो मैंने मिस्टेक किया है ना, उससे मुझे बहुत ही तगड़ा, बोल सकते हो तगड़ा सीख मिला है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए मुझे अब छोड़ना तो नहीं है, और मुझे अभी यूट्यूब करते रहना है। लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं अब छोड़ूंगा नहीं। बस आप लोगों के साथ ये वीडियो मुझे शेयर करना था कि मैं एटलीस्ट आप लोगों को, कोई भी इंसान जो मेरा वीडियो देख पा रहा है, एटलीस्ट कोई इन्फ्लुएंस हो पाएगा, कोई मोटिवेट हो पाएगा। मैं एक कोई बंदा का लाइफ अगर चेंज कर पाऊंगा, कोई एक इंसान का, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, समझ रहे हो। यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि वेदर आई एम एबल टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस वन पर्सन, एंड वेदर ही इज़ एबल टू चेंज हीज और हर लाइफ आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो विल बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट। अपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो गाइस प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थोड़ा लव सपोर्ट दिखाओ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में मिस्टेक होना भी जरूरी है, नहीं तो हम सीखेंगे कब? लाइफ में जब हमारे साथ पर्सनल कुछ मिस्टेक होगा ना, तभी हम सीख पाएंगे। दूसरे का मिस्टेक देख के हम कभी लाइफ में सीख नहीं सकते। ये मेरा मोटिवेशन है, और मैं ये चीज़ आप लोग को बोलूँगा कि लाइफ में जब हम खुद गलती करेंगे या मिस्टेक करेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी को गवा देंगे ना, तब हमें अफसोस होता है, पछतावा होता है कि भाई हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइज़ मेरा देखो लाइफ का एक ही मोटिव है कि मैं जो मोटिवेशनल वीडियोस या जो इन्फ्लुएंसिंग वीडियो बनाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं किसी एक दो बंदा का अगर लाइफ चेंज कर पाया ना मेरा मोटिवेशन के थ्रू, या मैं किसी को इंस्पायर कर सका, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैंने एक बंदा का लाइफ को सुधारा मेरा मोटिवेशन सुन के, उसका लाइफ का मैं कुछ चेंज आया, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस, राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, जेजो रिमेंड में कदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो पीछे मेरा बेबी लाइट,
है। और देखो मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए थोड़ा शांति जगह में आना पड़ता है ताकि आप लोगों के साथ मैं अच्छा से कनेक्ट कर सकूँ। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और धूप भी ज़्यादा हो रहा है, एकदम सुबह सुबह का टाइम है। तो चलो सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।